हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टूवर्ड सक्सेस। आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO AR और APS के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में, मतलब RO AR और APS में स्पेशली बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही RO AR और APS की स्ट्रैटेजी वीडियो, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO AR और APS की स्ट्रैटेजी वीडियो भी जल्द ला रहे हैं। आज शाम तक या कल सुबह तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसमें आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे एग्जामिनेशन आपका हेल्ड होगा, उस तरह से कितने डेज का टारगेट आपको रखना है आपके इस पेपर के लिए, सभी कुछ मैंने आपको इसमें डिस्कस कराया हुआ है। साथ ही इम्पोर्टेंट बुक्स भी बताई हुई हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हर एक सब्जेक्ट के लिए होगी। बुक्स के अलावा बात करें तो वीडियोस आपको कौन कौन से YouTube से देखने हैं इम्पोर्टेंट, वो भी आपको मैंने बताया हुआ है। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अल्टरनेट डेज चलेगा जो कि होगा सैटरडे तक, और संडे को आपको पॉलिटी और साइंस के 50+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और बाकी सब बातें आपको मैं स्ट्रेटेजी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिया है, द डेप्थ ऑफ गंगेटिक एलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट, कितनी है डेप्थ गंगेटिक एलुवियल सॉइल की बिलो द लैंड सरफेस इज 6000 मीटर। 6000 मीटर डेप्थ है गंगेटिक एलुवियल सॉइल की बिलो द लैंड सरफेस। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत बार एग्जाम में देखने मिला है गंगा रिवर एग्जाम्पल किसका है, दैट इज एंटीसिडेंट ड्रेनेज सिस्टम का। इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है ड्रेनेज सिस्टम से, मतलब टॉपिक वाइज हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे ज्योग्राफी के। तो आज मैंने स्टार्ट किया है ड्रेनेज सिस्टम से, जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा रिवर किसका एग्जाम्पल है, एंटीसिडेंट ड्रेनेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन बांग्लादेश द रिवर गंगा इज नोन एज, बांग्लादेश में रिवर गंगा किस नाम से जानी जाती है, दैट इज पद्मा के नाम से जानी जाती है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय द रिवर्स, सुंदरबन डेल्टा किस रिवर से फॉर्म होती है, मतलब कौन कौन सी रिवर से फॉर्म होती है सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा को सबसे लार्जेस्ट डेल्टा भी माना जाता है, तो इसलिए सबसे लार्जेस्ट डेल्टा क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि फॉर्म होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पॉर्टेंट है, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर मीट्स एट, कहाँ पर ये मीट होती हैं, देवप्रयाग में। ओके, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा रिवर मीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, विथ विच ड्रेनिंग सिस्टम और मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड, मंदाकिनी किससे एसोसिएटेड है, मतलब कि किस ड्रेनिंग सिस्टम से एसोसिएटेड है मंदाकिनी, तो अलकनंदा से एसोसिएट करती है क्या मंदाकिनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच में कौन सी रिवर फ्लो होती है, दैट इज अगेन मंदाकिनी। ओके, मंदाकिनी रिवर फ्लो होती है कहाँ से, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग से, मतलब उनके बीच से। मैं इस वीडियो में हिंदी क्वेश्चंस टाइप नहीं करी हूँ, लेकिन आपको हिंदी में समझाते चल रही हूँ। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अलोंग विथ विच रिवर्स बैंक द फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज लोकेटेड, बद्रीनाथ टेम्पल किस बैंक के रिवर से मतलब एसोसिएट करता है, तो अलकनंदा। ओके, तो अलकनंदा के रिवर बैंक पे लोकेटेड है फेमस बद्रीनाथ टेम्पल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज, सभी जानते हैं गंगा। ओके, कभी कभी आम क्वेश्चन ही एग्जाम में उठा करके दे देते हैं, क्योंकि हम इतना टफ पढ़ते पढ़ते नॉर्मल क्वेश्चन को भूल जाते हैं, इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चंस को भी आप ध्यान देंगे, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, गंगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं, भागीरथी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, द भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गौमुख। ओके, तो गौमुख से ओरिजिनेट होती है भागीरथी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, द रिवर यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम, यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, दैट इज बंदरपूज से। ठीक है, बंदरपूज से ओरिजिनेट करती है कौन से रिवर, यमुना। ओके, 12th पे आ गए हैं, बेतवा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, बेतवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, विंध्यान हिल से, विंध्यान हिल से बेतवा रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, बेतवा रिवर ज्वाइन किसको करती है, यमुना को ज्वाइन करती हैं। ओके, तो बेतवा रिवर ज्वाइन किसको करती हैं, यमुना रिवर को ज्वाइन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, कौन सी ट्रिब्यूटरीज, विच ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सिस्टम फ्लोस नॉर्थवर्ड, तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज गंगा सिस्टम की फ्लो होती हैं नॉर्थवर्ड, तो सोन फ्लो होती हैं नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में गंगा सिस्टम के। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में,
विच रेंज एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन, तो यमुना और सोन के बीच में कौन सी रेंज जो है डिवाइड करती है वाटर को, तो आंसर हो जाएगा कैमूर रेंज। तो कैमूर रेंज डिवाइड करती है वाटर को यमुना और सोन के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कांगर रिवर इन बिहार स्टेट इज, तो कांगर रिवर के बैंक पे जो कि बिहार में है वो कितनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वहां पर सिचुएटेड है, तो 12, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है कौन से बैंक पे, कांगर रिवर पे जो कि बिहार में है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज, कौन सी डिस्ट्रिक्ट बिहार की सबसे ज्यादा लॉन्गर लेंथ शेयर करती है गंगा रिवर के साथ, तो पटना, ठीक है, तो पटना जो है सबसे लॉन्गर लेंथ शेयर करती है किसके साथ, गंगा रिवर के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, इन इंडिया यारलुंग जंगबो रिवर इज अ नोन एज, तो यारलुंग जंगबो रिवर क्या कहलाती है इंडिया में, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज द सोर्स ऑफ रिवर, कौन कौन से रिवर का सोर्स है नियर मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है, दैट इज ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज, ठीक है, ये तीनों का ही सोर्स रिवर कहाँ पर है, नियर मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है। ओके, इन तीनों का नाम अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मनस ट्रिब्यूटरी कौन से रिवर की है, कृष्णा रिवर की। ओके, तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, मनस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे, इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज, ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में क्या कहलाती है, दैट इज हिमजुग, हिमजुग कहलाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, कहाँ पर, तिब्बत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे, द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन, नर्मदा वैली कहाँ पर लाई करती है, मतलब किन के बीच में लाई करती है, दैट इज सतपुरा और विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में नर्मदा वैली लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड में डायरेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नर्मदा वैली से ही निकल करके आया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नर्मदा वैली किसका एग्जाम्पल है, दैट इज रिफ्ट वैली का, ठीक है, रिफ्ट वैली इज अ टाइप ऑफ वैली, नर्मदा वैली इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, द रिवर विच फ्लोज थ्रू अ फॉल्ट ट्रफ इज, फॉल्ट ट्रफ से बहने वाली रिवर नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा जो रिवर है वो फ्लो करती है फॉल्ट ट्रफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, कहाँ कहाँ से होकर के रिवर कावेरी गुजरती हैं, दैट इज कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ओके, ये तीनों जगह से ही रिवर कावेरी फ्लो करती हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, साथ ही इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं कल हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस के साथ, थैंक यू।